मैं मनोज कुमार निगम, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द डॉन एक्सप्रेस। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, भारत के किसानों से जुड़ा हुआ है, भारत के कामगारों से जुड़ा हुआ है, हमारे अन्नदाता से जुड़ा हुआ है। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जो इस समय भारत सरकार अपना अड़ियल रुख लेते हुए किसानों के ऊपर, अन्नदाताओं के ऊपर, ये किसान बिल थोप रही है, जिसकी वजह से आज देश का किसान परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है। उसका कहना यह है कि जो चीज हमने मांगी ही नहीं, जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, वो चीज हमें जबरदस्ती दी जा रही है। और किसानों का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो ये कहते हैं कि साहब, हम अपने लिए खेत में पैदा करके अपना पेट तो पाल लेंगे, लेकिन इस देश का जनमानस, इस देश का उपभोक्ता, कंज्यूमर, जो कि पैसे खर्च करके, खरीद करके बाजार से खाता है, उसकी जिंदगी में बहुत कठिन समय आने वाला है। और वो कठिन समय इस किसान बिल की वजह से आएगा, क्योंकि ये किसान बिल पूरी तरह से कुछ चंद उद्योगपतियों के हित में बनाए गए हैं और उन्हें जबरदस्ती इस देश के किसानों के ऊपर थोपा जा रहा है। अब कुछ तथ्यों के आधार पर ये समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं कि इस किसान बिल के आने से एक जनरल कंज्यूमर, एक जनरल उपभोक्ता, आम उपभोक्ता की जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है। वो फर्क सबसे बड़ा ये पड़ने वाला है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं परचेज करता है, खरीदता है, अपने उपभोग के हिसाब से उनको उसकी एक 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 क्वांटिटी होती है, निर्धारित सीमा होती है, जिसको वो महीने के अपने राशन में खरीदने की कोशिश करता है और उससे अपना जीवन यापन करता है। इस किसान बिल की वजह से बहुत बड़ी परेशानी ये होने वाली है कि जो सरकार ये कहती है कि जमाखोरी से, इस किसान बिल से जमाखोरी से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जो चंद बड़े उद्योगपति हैं, वो इस किसान बिल के माध्यम से उनको ये एकाधिकार मिल जाएगा कि वो बड़ी संख्या में, बड़ी क्वांटिटी में चीजों का भंडारण कर सकें और उस भंडारण से वो जमाखोरी को खत्म नहीं करेंगे बल्कि जमाखोरी को बढ़ाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो सस्ते में किसान से, जो बगैर मंडियों के, बगैर MSP के सारा का सारा सामान, सारा का सारा राशन, सारा का सारा जींस खरीदेंगे और उसको अपने यहाँ भंडारण क्षमताओं में भंडारण कर लेंगे। मानिए कि 10 रुपए या 20 रुपए किलो से उन्होंने गेहूं को खरीदा और अपने यहाँ भंडारण कर लिया, और भंडारण करने के बाद में जब बाजार में उसकी आवश्यकता बढ़ी
तो चूंकि उन्होंने भंडारण कर लिया है और भंडारण करने की वजह से वो अनाज बाजार में कम हो गया है, तो बाजार में उसकी मांग बढ़ जाएगी। जब बाजार में उसकी मांग बढ़ेगी तो वही 20 रुपए किलो का गेहूं वो 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए किलो में बेचेंगे। तो उसको जब बेचेंगे तो उसको खरीदने वाला कौन है? उसको खरीदने वाला एक आम ग्राहक है, एक मिडिल क्लास ग्राहक है, जो कि ना तो अनाज को उपजाता है, ना किसानी खेती करता है, और उसको बाजार से अनाज खरीद करके अपना जीवन यापन करना है। तो जो 20 रुपए किलो का गेहूं है वो 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो या 100 रुपए किलो में ये बड़े उद्योगपति आने वाले कुछ वर्षों में, अगर ये बिल लागू हो जाता है, तो वो खरीदेंगे सस्ते में और बेचेंगे महंगे में, और उससे जमाखोरी करेंगे वो, और उससे वो अत्यधिक मुनाफा कमाएंगे। तो मुनाफा तो जाएगा उनकी जेब में, लेकिन मरेगा कौन? मरेगा एक जनरल कंज्यूमर, एक आम उपभोक्ता, जो कि हम हैं और आप हैं। तो हमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा, भारत सरकार को भी जागृत करना पड़ेगा, और ये आग्रह करना पड़ेगा कि वो किसानों की बातों को सुने, किसानों की बातों को, परेशानियों को समझें, और इस दुविधा से किसान भाइयों को और एक आम उपभोक्ता को बाहर करें। अगर उसका कोई ना कोई तरीका है संशोधन करके, तब भी संभव है। लेकिन जैसा कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, सब जगह पे जो किसान इस समय बड़ी तादाद में इकट्ठा हैं, उनका कहना यही है कि हमारी तो केवल एक ही मांग है कि इस किसान बिल को रद्द किया जाए और नया किसान बिल बनाया जाए, जिसमें कि सारे किसान यूनियन के बड़े लीडर्स को, जानकारों को, विशेषज्ञों को साथ में लेके बैठाला जाए, साथ में बैठ के आम सहमति से कोई ना कोई बिल बनाया जाए जो कि किसानों के हित में भी हो, सरकार के हित में भी हो और आम उपभोक्ता के हित में भी हो। तो मेरा निवेदन आप सबसे आखिरी में एक बार फिर से यही है, अपने सारे श्रोताओं से, सारे दर्शकों से, कि एकजुट होकर के किसानों के इस आंदोलन में साथ में खड़े होइए, साथ में खड़े होकर के उनकी आवाज को और बुलंद करिए, और बुलंद करके कम से कम भारत सरकार को ये समझाने की, ये बताने की कोशिश करें कि जो किसान आपसे मांग कर रहा है, हमारा अन्नदाता आपसे जिस बात की मांग कर रहा है, और जिस मांग को लेके पिछले 15-16 दिन से, 17 दिन से ये खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो रहा है, अपने खेत छोड़ के, अपनी फसलों को छोड़ के, अपनी गेहूं की बुआई को छोड़ के, तो कम से कम सरकार से निवेदन ये है कि उनकी मांगें सुने, उनकी मांगों पर विचार करें और एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचे जिससे कि सबका भला हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो और विश्वास के साथ ये काम हो। नमस्कार।